सो आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन है और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है 4 अक्टूबर को जो आपको एग्ज़ाम है। और अन अकेडमी इसी को ध्यान में रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो इवेंट कंडक्ट किया जा रहा है अन अकेडमी के द्वारा, जो कि यूपीएससी चैम्पियनशिप कॉन्क्लेव है, जिसमें इंडिया मतलब जो आइस एग्जाम के 2019 के टॉपर्स हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, वो साथ में मिलके आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको उस एग्जाम के लिए प्रोसीड करना है। सो इस सेशन में हमारे साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, आई थिंक इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मधुकर कोटवे सर हैं जो कि काफ़ी रिनाउंड नेम है अपने फील्ड में। कई सारे इनके आर्टिकल्स भी आपने हाल फिलहाल में पढ़े होंगे। और प्रतीक नायक सर हैं, प्रतीक नायक सर भी अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने गाइड भी किया है, काफ़ी इनका नाम भी है। सो एंड माई सेल्फ, माई नेम इज सौरभ पांडे, आई टेक द हिंदू एनालिसिस ऑन एन अकेडमी चैनल एंड आई टेक करेंट अफेयर्स। सो मधुकर सर, वैसे ही थोड़ा सा मन में रहता है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, मतलब बच्चों के मन में काफ़ी सारा पॉइंट रहता है क्योंकि 30 सितंबर को आपको कोर्ट का डिसीजन आना है, लेकिन बिल्कुल आई थिंक वो एग्जाम तो होना ही है। तो आपके कुछ क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है ये अक्टूबर 4 को, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है? सबसे पहले तो इस समय का जो टाइमिंग है, जैसे सर आप भी काफी लंबे समय से इस फील्ड में हैं और जब हम लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो ये जो आखिरी के 4 to 5 days होते हैं ये काफी स्ट्रेसफुल होते हैं। अगर इन लास्ट 4 to 5 days में मेरे हिसाब से तो अगर स्टूडेंट केवल अपने ऊपर फोकस और कॉन्फिडेंस रखे तो मुझे लगता है कि 4 अक्टूबर ही नहीं, इसके बाद की 8 जनवरी भी बड़े खूबसूरत तरीके से गुजरने वाली है। तो केवल और केवल थोड़ा रिलैक्स, जैसे कि प्रतीक सर के भी चेहरे पर स्माइल आई है, ये काफी ऐसा एक्सपीरियंस होता है, सभी लोग इसे महसूस करते हैं आखिरी के जो 4 to 5 days होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो बेसिकली जब एग्जाम हम मतलब अभी जैसे हार्डली ज्यादा दिन नहीं है, 5-6 दिन बचे हुए हैं और जितने भी स्टूडेंट से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, व्हेन आई आल्सो टीच करेंट अफेयर्स, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो उनके मन में आता है, सर हिस्ट्री कहाँ से पढ़े और कितनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री सब और खासतौर से सर एंशियंट और मिडिवल, सबसे ज्यादा डाउट होता है कि कौन सा सोर्स पढ़े, क्योंकि काफी सारा कंफ्यूजन भी रहता है कि ये सोर्स पढ़ लिया जाए, सब अपना अपना जो है ओपिनियन उसमें देते हैं और फिर भी वो सेटिस्फेक्शन बच्चों को भी नहीं रहता है कि क्योंकि जब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने जाते हैं तो वो क्वेश्चंस इतने हो नहीं पाते हैं। तो प्रतीक सर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए खासतौर से जो हिस्ट्री एस्पेक्ट है इसके लिए? हिस्ट्री एक्चुअली बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है और अगर उसका कॉस्ट बेनिफिट देखोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि से फॉर एग्जाम्पल 15 questions हिस्ट्री के अंदर से पूछे हैं तो 2-3-4 questions ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द प्लैनेट के होंगे, मतलब वो बाहर से ही कुछ भी निकाल देगा क्वेश्चन, पर बाकी के जो 10-12 questions है उसमें स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स को आप सजेस्ट करोगे, मतलब आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। और मैं व्हाट आई डू इज कि मैं बच्चों को भी वही प्रेफर करता हूँ कि आप 2-3 sources बता देता हूँ, वो 2 में से कोई एक पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं तमिलनाडु बोर्ड की भी एंशियंट हिस्ट्री के लिए सजेस्ट कर देता हूँ, या मैं उनको ओल्ड एनसीईआरटी रामचरण शर्मा साहब की जो किताब है उसको भी सजेस्ट करता हूँ, पर साथों साथ मैं उनको ये कॉम्बिनेशन कहता हूँ कि आप हमेशा न्यू एनसीईआरटी को भी साथों साथ पढ़िएगा। तो क्या होगा कि आपका जो अपडेटेड पोर्शन है जो एनसीईआरटी में या तमिलनाडु में कवर नहीं किया होगा वो इसमें कवर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री क्योंकि लेंथी सब्जेक्ट है, याद रखने में भी तकलीफ पड़ती है, तो मेरी स्ट्रेटेजी जनरली स्टूडेंट्स के लिए यही रहती है कि आप मिनिमम बुक्स पढ़िए पर मल्टीपल टाइम्स रिविजन करिए। तो यू रीड 1 book for 10 times rather than reading 10 books for 1 time एंड दिस इज द क्रक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग होल सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी एंड पर्टिकुलरली हिस्ट्री। तो उसके लिए ही आप वैसे ही प्रिपेयर करिएगा तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा क्योंकि क्रोनोलॉजी याद नहीं रहेगी, डेट्स याद नहीं रहेंगे, आपके जो भी इवेंट्स है इंसिडेंट्स है वो याद नहीं रहेंगे। अगर वो याद नहीं रहा तो फिर आप एनालिसिस कैसे कर पाओगे क्योंकि क्वेश्चंस तो एनालिटिकल आते हैं, तो ये भी मैटर करता है उसके अंदर। तो सर कल आप सेशन भी एक आई थिंक ले रहे हैं अनअकैडमी के अंदर, अनअकैडमी चैंपियनशिप कॉन्क्लेव में, तो उसमें मतलब आपको कुछ ऐसा हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीजें आप डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ बताइए कि उसमें कैसे स्टूडेंट को हेल्प कर पाएगा। कल के जो सेशन है उसके अंदर आई विल बी टॉकिंग टू वन ऑफ द टॉपर्स और मेनली टॉपर्स के साथ भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आपने प्रिपरेशन किया था, उनकी जर्नी में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं
और खास करके जो स्टूडेंट्स को डिलेमा होते हैं सोर्सेज को लेके, क्योंकि एक टीचर के रूप में जब हम सोर्सेज बताते हैं और जब कोई अभी एस्पिरेंट जो रिसेंटली एग्जाम क्लियर किया होगा उसकी भी स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, क्योंकि एवरी पर्सन यहाँ पे जैसे 1000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास की होगी इस साल या 800 लोगों ने की होगी, तो 800 लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी, प्लस दैट टीचर्स वुड हैव गिवन सम प्लस माइनस थिंग्स उसके अंदर से एडिशन किया होगा, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कल के सेशन के अंदर। और साथों साथ एक जो इश्यू होता है अप्स एंड डाउन्स का, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, 1-1.5 साल तो तैयारी में लग जाता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पहले 1-2 अटेम्प्ट में पीटी नहीं हो और 3rd अटेम्प्ट में डायरेक्टली ऑल इंडिया रैंक लेके आ गए टॉप सिंगल डिजिट के अंदर। तो वो जो प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूटी मेंटेन करना है और परसिस्टेंस इज द की जो कहा जाता है, वो टॉपिक्स के ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस करने कल वाला हूँ टॉपर्स के साथ, क्योंकि जो स्टूडेंट जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन भी है इसी के साथ उनका भी अनुभव ऐसा ही है थोड़ा। मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्क्लेव लिया गया है ये एक बेटर कंसेप्ट है, क्योंकि कई बार होता है कि केवल एक एक्सपर्ट, या तो एक्सपर्ट मिलता है या फिर केवल टॉपर मिलता है, बट एक साथ अगर दोनों मिल जाएंगे तो ये जो हाइब्रिड बनेगा मुझे लगता है ज्यादा प्रोडक्टिव बनेगा। बिल्कुल सही सर। कोटवे सर, ये स्टूडेंट्स खासतौर से जो हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब अगर देखा जाए तो उनको कई सारे, जैसे अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम साथ में ही है, इंडियन बिल्कुल बिल्कुल साथ में ही होता है, और अगर आप सर जानते हैं कि जितने जब से ये साथ में होने लग गया तो ये एनवायरनमेंट है, साइंस है, और इनका वेटेज बहुत अधिक बढ़ गया है। मतलब पिछले साल देखा जाए तो साइंस और इन सब के काफी सारे प्रश्न, आई थिंक 40+ प्रश्न आपको मिल जाएंगे अगर बिल्कुल टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दी जा रही है। तो सर आप तो साइंस लेते भी हैं, तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को मतलब इसमें अभी फिलहाल कैसे अप्रोच कर, क्यों उनका जो पढ़ने का एक वो है तो वो उन्होंने सब्जेक्ट पकड़ रखे हैं कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री में तो बहुत अच्छे होते हैं नो डाउट, ज्योग्राफी मतलब जो एक ट्रेंड चल रहा है उनको ले लेते हैं और वो सब्जेक्ट कर लेते हैं, बट ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे क्वेश्चन सच में आ रहे हैं, जैसे IR में 8-9 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर में आपको मिल जाएंगे, आपके जो है साइंस में मिल जाएंगे क्वेश्चंस काफी सारे, एनवायरनमेंट डाइवर्सिटी बढ़ती चली जा रही है। तो सर आपका हिसाब से मतलब क्या है थोड़ा सा? जैसे मैं इसमें तो सबसे ज्यादा इस लास्ट के 5 डेज में भी और कभी भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट को एक की सब्जेक्ट के रूप में हमेशा ही मैं मानता हूँ, उसका 2 बड़ा रीजन है। एक तो कंपेरेटिवली अभी भी ये सब्जेक्ट बहुत छोटा है, आई थिंक केवल 4 टॉपिक हम इसे फिंगर पर काउंट कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन और आपका क्लाइमेट चेंज और ओजोन डिप्लेशन। इसके बाद इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा की रोल है जितना भी करंट अफेयर आता है, और वो मुझे लगता है कि आप इसको काफी ज्यादा महसूस भी करते होंगे, क्योंकि जब आप करंट अफेयर की क्लास लेते होंगे तो पॉलिटी के बराबर का करंट अफेयर मुझे लगता है या इकोनॉमिक्स के बराबर का करंट अफेयर या आपके सिलेबस में कवर कर लेता है। बिल्कुल। तो इस सब्जेक्ट के लिए अगर करंट अफेयर के साथ बढ़ेंगे तो ही इस सब्जेक्ट को हम बेस्ट कर पाएंगे। मतलब इस सब्जेक्ट में विदाउट करंट अफेयर आगे बढ़ना वो बिल्कुल ऐसी बात है कि आप न भी पढ़ें तो ज्यादा बेटर है। और जो दूसरा है जनरल साइंस, जिसमें हम साइंस टेक ज्यादा कहेंगे कि पिछले 2019 और 18 में जनरल साइंस की जगह पर साइंस टेक्नोलॉजी, खास करके बायोटेक हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, इस पर कुछ ज्यादा ही वेटेज बढ़ रहा है। तो इसमें भी करंट अफेयर में जैसे साइंस रिपोर्टर आती है या हमारा द हिंदू में जो एक पर्टिकुलर डे साइंस के लिए डेडिकेटेड है, संडे का होता है, संडे वाला, तो उसे अगर फोकस किया जाए तो बहुत बेहतर तरीके से इन दोनों सब्जेक्ट में न केवल पकड़ बनेगी बल्कि UPSC की सीधी नब्स पर आपका टारगेट हो जाएगा। और जैसे कि आप करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करते हैं, तो मुझे ये पूरी श्योरिटी कि आप इन दोनों सब्जेक्ट में जो करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस है उसको भी आप बच्चों तक पहुंचा लेते होंगे, तो आपको खुद लगता होगा कि ट्रेडिशनल कम करंट अफेयर ज्यादा इसमें फोकस किया जा सकता है। बिल्कुल सर। नहीं बट जैसे अभी तो ज्यादा समय बचा नहीं है, तो उसमें कुछ आपको सजेस्ट करेंगे कि जैसे अभी आप कल भी आपका भी सेशन है सर कॉन्क्लेव में, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें चैंपियनशिप कॉन्क्लेव में, तो कुछ आप उसमें कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस करें इससे रिलेटेड या कुछ? बिल्कुल, जैसे कि कल का जो शायद टॉपिक हमारे पास आया वो है ऑप्शनल पर, कि ऑप्शनल में क्या डिसीजन हो, पर यदि इकोलॉजी एनवायरनमेंट और जनरल साइंस में अगर फोकस किया जाए तो इन 5 डेज में एटलीस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट का करंट अफेयर भी अगर रिवाइज कर ले तो मुझे लगता है कि 10 में से 6 और 7 क्वेश्चन
हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी नहीं, कोई भी मीडियम का स्टूडेंट इजीली कवर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो प्रतीक सर, थोड़ा हिस्ट्री का ही एक क्वेश्चन है, वो बच्चे कई पूछते हैं कि सर आपके नोट्स देख लेते हैं हिस्ट्री का, क्योंकि ज्यादा समय तो बचा नहीं है, तो आप बताइए ठीक रहेगा? हिस्ट्री में यही है कि एक बार आप नोट्स रिवाइज कर दीजिए। दूसरे क्या है कि हमने मैराथन सेशंस भी लिए हुए हैं आर्ट एंड कल्चर के, हिस्ट्री के, ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म एज़ वेल, तो बच्चे वो भी रिवाइज करेंगे तो उनका क्या है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर उन्होंने विजुअली देखा होगा तो उनको वर्बल और विजुअल मेमोरी ज्यादा रहती है, तो फोटोग्राफ देख लिया कोई आर्किटेक्चर की इमेज का, किसी ने कुछ बोला होगा, बोलते बोलते हम लोग कभी क्या है कि वो है ना ह्यूमरिस्टिक वे के अंदर कोई डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी उनको मेमोराइज हो जाता है और कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा मैं क्या कह बच्चों को वही सजेस्ट करूंगा जो इस बार के स्टूडेंट्स जो इस बार अपियर कर रहे हैं, वो है कि जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो एटलीस्ट आप अपनी खुद की भी नोट्स बनाने की ट्राई कीजिए, मतलब अगले साल वाले जो खास करके न्यू कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लेंदी सब्जेक्ट है और हिस्ट्री फिर आप बोलोगे कि मैं लास्ट डे पे रिवाइज करूंगा या चार दिन के अंदर रिवाइज करूंगा तो बुक के अंदर से रिवाइज होना काफी टफ हो जाता है। तो एक टीचर ने जो पढ़ाया है, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो हमारे साथ, तो वो नोट्स और साथों साथ अपनी थोड़ी नोट्स होगी तो अपने खुद के हैंड राइटिंग में जब रिवाइज करोगे आपने बनाई होगी तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रास्पिंग भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये थंब रूल है, क्योंकि सब्जेक्ट लेंदी है तो उसमें आपको फिर शॉर्टकट नहीं मिलेंगे, तो आपको वहां पे थोड़ा हार्डवर्क की जगह थोड़ा हम लोग कहेंगे स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। और वो स्मार्ट वर्क यही है कि कैसे आप विजुअली उसको अपनी नोट्स को कंसाइज रूप में तैयार कर सकते हो, वो एक काफी जरूरी होगा। मेरा इसमें सर सौरभ सर से सवाल ये है, क्योंकि बहुत लंबे समय से करंट अफेयर आप ले रहे हैं और खास करके इन 5 डेज में स्टूडेंट के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं ना कि सर ये करंट अफेयर अब अंतिम टाइम पे रिवीजन, तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप थोड़ा सा खुलकर बताएं कि ये जो अंतिम 4 to 5 days और ये करंट अफेयर जिस तरीके से अपना वेटेज बढ़ा रहा है, जिस तरीके से इसकी डिमांड है और जिस तरीके से इसका रोल है, उन तीनों बातों को समेटते हुए इन 5 days में या 4 days में स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी? सर जैसे देखा जाए करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का जो, वैसे करंट अफेयर्स शब्द की जगह अगर हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज और इवेंट की बात करें तो ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज और इवेंट हैं जो भी चल रहे हैं आपके, चाहे वो IR हो, एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, तो सारे सब्जेक्ट का वो एप्लीकेशन है। सो ऑल्दो जो चीजें चल रही हैं, हो सकता है अभी जो चीजें चल रही हैं वो नहीं पूछी जाए, और पूछी जाए आपका पिछले एक साल का पूछ लिया जाए, मतलब इन जनरल 2 साल का कवरेज आपका रहता है। सो 5 days अगर किसी स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब तो फिर नो डाउट पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने सही तरीके से चीजें रिवाइज की है, वैसे मेरी एक मैगजीन भी आती है GS रिपोर्टर नाम से, जो कि मतलब ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस पर बेस्ड है, उसके करंट अफेयर्स से बहुत बढ़िया, I cover those things। So, अगर समय है तो एक तो वो मैगजीन देख सकते हैं थोड़ा बहुत, या फिर जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत डिटेल्ड वे में तो नहीं जाया जा सकता है, डिटेल्ड वे में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि 5 days है, क्योंकि अगर आपने नई चीजें अभी पढ़ना शुरू की तो बाद में जहाँ पे जिसमें आप अच्छा कर सकते हो वो आपका छूट जाएगा। सो कहीं से अगर थोड़ा सा अगर कोई साथ में जिन्होंने नोट्स प्रिपेयर किए हों क्लास में तो उनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, मतलब उन नोट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए, साथ में किसी से डिस्कस कर लेना चाहिए, वो थोड़ा सा एक स्टेप हो जाता है। लेकिन वैसे 5 days में 2 साल का करंट अफेयर्स करना नहीं पॉसिबल, मतलब बिल्कुल मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो करंट अफेयर्स है, जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे मन में ये रहता है कि कोई SSC का है, बैंक का है, या कोई भी करंट अफेयर्स चलता रहता है तो हम सोचते हैं वो UPSC के भी लिए रेलिवेंट है। जैसे सर आप भी वीकली करंट अफेयर्स देते हैं, वीकली जो आपका सेशन होता है उसमें भी आप जो UPSC रेलिवेंट टॉपिक्स उठाते हैं, तो आपके पास भी ऑप्शन है कि आप चाहें तो 100 topics उठा सकते हैं पूरे वीक के, पैराग्राफ के, बट आप एक सिलेक्टिव टॉपिक्स उठाते हैं। उसके पीछे यही रीजन है कि जो करंट अफेयर्स है वो UPSC के लिए डिफरेंट है और SSC और बैंक के लिए डिफरेंट है, तो वो जो हम बिल्कुल माइंडसेट को ध्यान में रख के जो तैयारी कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स का मतलब कोई भी चीजें चल रही हैं, अवार्ड रट लो, स्कीम रट लो, बिल्कुल मैं सर आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, बिल्कुल ये जो पॉइंट आपने उठाया है ना,
इस करंट अफेयर को सच में थोड़ा सा डिफाइन आप जरूर करिए और भी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट शॉर्टकट भी अपना रहे, शॉर्टकट जैसे कुछ करंट अफेयर ऐसे उन्हें लगते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि 10 मिनट की क्लास में सब पता चल गया उसे, तो इस बात को भी एक्सप्लेन किया जाए। और थोड़ा सा वनडे की एग्जाम और यूपीएससी की एग्जाम का करंट अफेयर क्या डिफरेंस है इस पर जरूर आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि स्टूडेंट इस मामले में सबसे ज्यादा धोखा खा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत रेलेवेंट पॉइंट सर आप कह रहे हैं। मैं आपको एक दो तीन कंसेप्ट बताता हूँ, वैसे सर आप जानते ही होंगे इसके बारे में। कई सारे इंटरनेशनल जो जर्नल्स होते हैं उसमें कुछ अपकमिंग कंसेप्ट आ रहे हैं, जैसे एक कंसेप्ट आया है हॉट हाउस अर्थ, जैसे अभी एक आपने सुना होगा ओकावांगो डेल्टा। बिल्कुल बिल्कुल, ओकावांगो डेल्टा है, वहां पे बहुत सारे एलिफेंट्स अपने आप मर गए, तो वहां पे एक नई प्रकार की वहां पे एल्गीज जो है वो डेवलप हो रही है, और जो जो कि जहरीली है, और एलिफेंट जब पानी पीता है तो वो उससे मर रहे हैं। उसके पीछे जो ये एल्गीज के पीछे क्लाइमेट चेंज बताया गया है। अभी SSD नाम का एक डिजीज है जो कि सैंडलवुड फॉरेस्ट को नुकसान कर रहा है, या फिर आप हिमालयन रीजन में जाएंगे तो हिमालयन रीजन में अभी हाल ही में एक अच्छा आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया कि कैसे कैसे इकोलॉजिकल चेंजेस हिमालय में हो रहे हैं, और जो इकोलॉजिकल चेंजेस हिमालयन रीजन में हो रहे हैं वो वहां के सेटलमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे भी क्लाइमेट चेंज है। तो चाहे आप पॉलिटी का टॉपिक कोई उठा लीजिए, ज्योग्राफी का उठा लीजिए, एनवायरमेंट, हिस्ट्री छोड़ दीजिए क्योंकि हिस्ट्री तो हमेशा वही रहती है, उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स आप करते हैं, इथिक्स थोड़ा आप छोड़ दीजिए, बट मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स आप करते हैं उनकी जो सोर्सेस हैं, जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स हैं। बट करंट अफेयर्स में आप राइट चीजों को ट्रैक करना, जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, माउंटेन इकोलॉजी पर क्वेश्चंस आपका पूछा है 2018 के मेंस में, 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और उसी तरीके से अर्बन फ्लडिंग के ऊपर प्रश्न आपका पूछा हुआ है, एनडीएमए की जो गाइडलाइंस अभी आई है पेपर में डायरेक्ट आई थी वो आपसे पूछा हुआ है डायरेक्ट, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 इंटरनेशनल जो मिलेट्स का ईयर ऑफ मिलेट्स आपका हुआ था उसमें प्रश्न आपका पूछा है। तो करंट अगर आपने बेसिक्स कवर कर लिए अच्छे से, उसके बाद आपको बिल्डअप करंट पे ही करना है। बट करंट पर बिल्डअप का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें, मतलब थोड़ा सा उसमें हमें सोर्सेस को बहुत सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है। जो मैंने बताया जैसे हॉट हाउस अर्थ का कंसेप्ट है, आर्टिक ब्लू ओशियन इवेंट है, अटलांटिफिकेशन है, डेड जोन है, डेड जोन का कंसेप्ट पूछा हुआ है यूपीएससी में, ये सब चीजें आपकी न्यूज में थी बट ये हिंदू में नहीं आई थी, हिंदू के अलावा भी चीजें आई थी, और हिंदू में भी आपको चीजों को एक्सट्रैक्ट करना होता है, मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको उस पे से जो आपके काम का कंटेंट है उसको निकालना है। हिंदू पढ़ने का मतलब लाइन टू लाइन चीजें कर रहा है, तो वहां पे हमको थोड़ा सा ये जो अप्रोच है, खासतौर से जैसे जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उनको काफी सारा डाउट रहता है, वो पूरे समय करंट अफेयर्स करते रहते हैं। Exactly. मैं वही चीज के ऊपर बिल्कुल, तो राइट राइट हाँ, तो सर यही ये चीज आप लोग भी कई आप अपने सेशन भी कहते हो, दिन भर करंट अफेयर्स करते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। Exactly. बिल्कुल राइट, को फॉलो करना और उसको स्टिक करना, रिवाइज करना, और मोर देन सफिशियंट है। और हिस्ट्री हो गया सर, दूसरे जो सब्जेक्ट्स आपके जो होते हैं उनको अपना अच्छे तरीके से कर लेना। उसमें ऐसा है कि बच्चों की एक नए स्टूडेंट्स की जो क्वेरी रहती है, मतलब जो जस्ट न्यूली प्रिपरेशन करे, और इवन जो मैच्योर स्टूडेंट्स है वो भी ये करंट मेनिया के पीछे एट टाइम्स पागल हो जाते हैं, तो मैंने देखा है कि दे इग्नोर द स्टैटिक पोर्शन। तो अगर आपको इकोलॉजी का बेसिक नहीं पता है तो फिर एसिडिफिकेशन का कोई वो समझ भी नहीं सकते, बिल्कुल कैसे समझ में आएगा। एंड फिर दे विल आस्क सम काइंड ऑफ ट्रिवियल क्वेश्चंस कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। The same thing happens कि अगर आपने पॉलिटी का बेसिक्स कवर नहीं किया है तो अगर प्रेसिडेंट रूल के रिलेटेड कोई करंट का टॉपिक आ गया, कोई आर्टिकल आ गया गवर्नेंस का, तो फिर उसमें भी यही प्रॉब्लम होता है। वही चीज स्टूडेंट्स के साथ हमने देखी है कि अगर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और अभी बिकॉज ऑफ सो मेनी इकोनॉमिक चेंजेस दैट इज गोइंग ऑन, अब एग्रीकल्चर का बेसिक्स पता नहीं है, और फार्म बिल को लेके जो डिस्प्यूट्स है क्या है, एपीएमसी का क्या प्रॉब्लम है, एपीएमसी पर कोई आइडिया नहीं, चर्चा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर वही सुपरफिशियल तैयारी हो जाती है सर। मतलब मेरे हिसाब से अगर इसे अपन एक स्टेटमेंट में कहें तो विदाउट करंट अफेयर सिलेक्शन हम कह सकते कि मुश्किल होता है, बट केवल करंट अफेयर पर सिलेक्शन कभी होता ही नहीं है। नहीं नहीं, exactly. नहीं बिल्कुल नहीं सर, दोनों पूरा बैलेंस बनाना है हमें। स्टैटिक बेसिक है जिस पर आपकी बिल्डिंग खड़ी होनी, अगर वो आपकी बिल्डिंग आपका नींव ही कमजोर है तो फिर कैसे होगा, करंट अफेयर कुछ नहीं कर पाएगा फिर। हाँ, तो हमें दोनों का बैलेंस लेकर चलना है,
करंट भी, बट करंट अफेयर आई थिंक करंट अफेयर वर्ल्ड बिल्कुल कंटेम्प्रेरी। जैसे आपका सुबह 5 बजे मुझे एक सेशन अच्छा लगता था कि कोई तो टीचर है जो सुबह 5 बजे उठ रहा है, और ये एक बड़ा मोटिवेशन है कि स्टूडेंट्स को भी इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सुबह की स्टडी अपने आप में बहुत अलग ही रहती है। तो सुबह वाला थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप जरूर बताइए, क्योंकि मैंने एक दो सेशन देखे मॉर्निंग 5 AM वाले, तो मुझे काफी अच्छा लगा। नहीं सर, वो मॉर्निंग का जो आपका जो सेशन है उसमें वैसे सुबह 5 बजे तक ज्यादा आपके टॉपिक्स आते नहीं है, पेपर तो आपके 5 बजे के बाद पब्लिश होता है। बिल्कुल, वो जो हम लोग टॉपिक्स कवर करते हैं तो द हिंदू का तो मेरा अलग से सेशन रहता है सर, तो द हिंदू के अलावा दूसरे जो टॉपिक्स होते हैं उनको मैं 10-15 मिनट के उसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक अप्रोच रहती है उसमें, और वही है सर, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, अब देखते हैं कब तक चलता है। बेस्ट है, बेस्ट है। दूसरा सर मेरा पॉइंट एक आ रहा है कि स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू टेक एट टाइम शॉर्टकट, मतलब वो रीड नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपका सर जो नए फ्यूचर के, मतलब जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अगले साल करेंगे या उसके अगले साल करेंगे, उनको ये रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप कराई जा सकती है? क्योंकि ज्यादातर अगर आप जो भी टॉपर्स को भी देखे या जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, उनका एक मानना है कि आपको रीडिंग अच्छे से इम्प्रूव करना पड़ेगा, और रीडिंग भी राइट सोर्सेज से आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें रीडिंग को लेके आपका सर अनुभव कुछ शेयर कर सकते हो, कोटवे सर खास करके, क्योंकि आर्टिकल भी इन्होंने सर का मैंने भी रीड किया था दैनिक भास्कर में। तो जो सर लैंग्वेज मैच्योरिटी जो आती है वो रीडिंग से ही आती है उनका, अगर आप ऑब्वियसली, मतलब जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे आप करंट अफेयर के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए टीचर को भले ही फॉलो करिए, लेकिन जब तक उस सब्जेक्ट को आप खुद नहीं रीड करेंगे, आपका ब्रेन उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा। फिर आप मेरी कॉपी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, और मैंने आपको कंसेप्चुअल कहा कि भाई कीस्टोन स्पीशीज भले ही नंबर में कम हो लेकिन इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, तो अब आपने मुझे कॉपी किया, लेकिन जब आप इसे किसी बुक में पढ़ेंगे तो हो सकता है उसके रिलेवेंट आपको जब एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो आपको रियल में एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी। क्योंकि इस एग्जाम में विदाउट एनालिटिकल एबिलिटी पीटी तो आप निकाल दे सकते हैं एक बार मान लूं मैं, लेकिन मेंस में विदाउट एनालिसिस आप कर ही नहीं सकते। जैसे मैं प्रतीक सर के सब्जेक्ट में कहूं कि हिस्ट्री में स्टूडेंट कई बार किस तरीके का एनालिसिस करते हैं, अकबर का दामाद, अकबर का बेटा, मतलब उसी में उनका इतना मन लगता है कि अकबर के बाद कौन आए, पर वास्तविक रूप में या एक्चुअली रूप में, जैसे कि प्रतीक सर भी अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वो जमाना गया 2010 के पहले का, 2010 के पहले का क्वेश्चन पेपर कितना खूबसूरत होता था। पहले 15 क्वेश्चन होते थे हिस्ट्री के, फिर 16 नंबर से अपने आप ज्योग्राफी आता था, और स्टूडेंट डिसाइड कर लेता था कि भाई मैं तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करूंगा। पर इस टाइम जब 2019 का हम पेपर देखें तो एक्चुअली स्टूडेंट ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता इजीली, अगर उसकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी नहीं है तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि क्वेश्चन ये इकोलॉजी का है कि ज्योग्राफी का है, कि वो इकोनॉमिक्स के माध्यम से पॉलिटी पूछना चाह रहा है। अब एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में जब तक एपीएमसी पर आपकी पकड़ नहीं होगी, जब तक आप एग्रीकल्चर में एमएसपी के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, स्वामीनाथन की कमिटी की क्या रिकमेंडेशन थी वो नहीं समझेंगे, और जब तक कि उनकी एपीएमसी की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, ये नए तीनों बिल को एनालाइज आप कर ही नहीं पाएंगे। फिर वही होगा, गोदी मीडिया जैसा कह रहा होगा या बाकी मीडिया जैसा कह रहा होगा, वो थिंकिंग आपकी भी डेवलप हो जाएगी। राइट राइट सर, उसमें भी सर यही प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर को फिर ज्योग्राफी के साथ भी लिंक नहीं कर पाते, उनको सॉइल पैटर्न ही पता नहीं है, तो सॉइल की कंडीशन के द्वारा कैसे डाइवर्सिफिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, व्हाई फार्मर्स आर हेजिटेंट टू गो अवे फ्रॉम द एमएसपी, वो क्यों नया क्रॉप नहीं उगा रहे हैं। हमने सर एक बार सर्वे किया था हरियाणा के अंदर, तो वी हैड 4 डिस्ट्रिक्ट्स जहां हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर सर्वे किया था। फार्मर्स कहते हैं कि हमको एमएसपी मिल रहा है, हमको जाना ही नहीं कहीं और, हमने कहा कि आपकी सॉइल खराब हो रही है, ये सब इशू है, बोले कोई बात नहीं, हम लोग करते रहेंगे हमारे हिसाब से। बहुत सही। तो दिस इज द होल इशू। अभी एलुवियल सॉइल है तो फार्मर्स को एक सिक्योरिटी आ गई है कि हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। अब तो उसमें ये सब इश्यूज जो है वो भी आपके ज्योग्राफी के साथ लिंक अप होते हैं ना, क्योंकि सॉइल की कंडीशन कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, उसके द्वारा फर्टिलाइजर की डिमांड कितनी बढ़ रही है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये है सर, बच्चे आजकल साइलोज में तैयारी बहुत करते हैं, वैक्यूम में करते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू इंटरलिंक द टॉपिक्स।
तो जो फ्यूचर के जितने स्टूडेंट्स खास करके अभी जो नए नई तैयारी कर रहे हैं जी सर उनको इंटरलिंकिंग के बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का मानना है। जितना बिल्कुल आप सर, इंटरलिंक करके पढ़ोगे। मैं एक हिस्ट्री का ये क्वेश्चन, मतलब व्हेन आई गिव द मेंस, तो वहां पे क्वेश्चन एक आया था हिस्ट्री का क्वेश्चन, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्रेजेंट टाउन प्लानिंग को लिंक करके प्रेजेंट आपने फॉर्म्स अर्बनाइजेशन स्मार्ट सिटीज को कैसे हेल्प करता है दो किया, ये सब चीजें हजार आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। तो सर आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। इसमें एक जो नेगेटिविटी बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब नेगेटिविटी मतलब एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान स्प्रेड होना, और दूसरा स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल है, जैसे अभी 4-5 दिन है, आपको भी सर कई मैसेजेस आते ही होंगे कि सर कम, मतलब थोड़ा टेंशन हो रही है, कुछ, हाँ कुछ जादू की झप्पी जैसी मिल जाए। हाँ क्या क्या किया जाए। तो सर अभी 2-3 पॉइंट्स आप बताइए कोटवे सर की, क्या मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा करना चाहिए। मतलब इस समय तो तीन सबसे बड़े पॉइंट हैं। एक तो जैसे मैंने कहा भाई कि हमारे इसमें इस समय रिजल्ट हमारे कब्जे में है ही नहीं, फल क्या आने वाला है हमें नहीं पता। तो मैं बार बार एक नारा देता हूं, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करनी है, फल हम मार्केट से खरीद लेंगे। तो फोकस किया जाए कि भाई हम इन 5 डेज में 4 डेज में 24 आवर्स को कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड, जो बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अभी से अजम्पशन करने लग गए हैं कि कितने क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएंगे, पेपर टिपिकल होगा, पेपर कैसा होगा, ये रियल में टीचर या मैं कहूंगा कि उस सेंटर का जो पर्सन होगा उसे भी नहीं पता है। ये तो जिस दिन पेपर ओपन होगा तब पता चलेगा। तो प्री अजम्पशन मिनिमम करें कि भाई हमारा कोई अजम्पशन नहीं है, हमारा टारगेट है हमें एग्जाम देना है और जो होगा वो एग्जाम की इवनिंग में पता चलेगा। मॉर्निंग में अजम्पशन लेकर हमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ना है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन पूरे 5 डेज में डेली अपने बारे में जितना पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं, मतलब क्योंकि इस समय आपको कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पोस्टपोन होगा, अभी जब तक उसके बारे में पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं आता है हम तो ये मान के चलेंगे कि 4 अक्टूबर फाइनल है। और जितना मुझे लग रहा है 99.99%, क्योंकि जब नीट ले लिया, आईआईटी ले लिया, तो मुझे तो लगता नहीं है कि कोई एग्जाम पर इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट केवल ये मान ले कि ये फुल एंड फाइनल है, इसके बाद हमें एग्जाम और किसी भी प्रकार की स्टडी को इस पर्टिकुलर वे में तो नहीं लेना है, भले ही जिंदगी भर पढ़ी हुई है पढ़ने के लिए। हाँ प्रतीक सर, आपको क्या कहना होगा, मतलब ये नेगेटिविटी को दूर करना एक बड़ा। ये नेगेटिविटी देखिए, मैं एक्चुअली बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ हिस्ट्री और मैं थोड़ा पढ़ता भी हूँ एक्स्ट्रा भी चीजें, तो मैं उनको एक चीज बताता हूँ कि आप एक्सेप्ट करो कि एंजाइटी आएगी। बिल्कुल एक एक जब हम लोग हमारे विद्यार्थी काल में थे, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, हम भी ये एंग्जाइटी से पास ऑन हुए हैं। प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल ये है कि ये एंग्जाइटी को हमारे ऊपर ओवरशेडो नहीं करने देना है कि पूरी तरह से हमारे सर के ऊपर बैठ के थाम हाँ, दे। मतलब डर लगे लेकिन उससे डरना नहीं है। उससे डर मतलब वही है कि उसको थोड़े एक्सेप्ट कर लो कि भाई थोड़े दिन तक आपको प्लस माइनस चीजें होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज मैंने देखी है कि एग्जाम हॉल में जाके स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वो अचानक से उनके वहां सब इवेपोरेशन हो जाता है ब्रेन से। तो जब पेपर देते हैं तो काफी सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था पिछले साल भी कि सर मुझे बहुत कुछ आता था पर पेपर देख के मैं सब कुछ भूल गया। तो मैंने कहा कि ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि आप ज्यादा एंग्जाइटी में थे, दूसरा आपने अगले दिन रेस्ट नहीं किया था। तो मैं ये 4-5 दिनों के अंदर ये भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने बॉडी को और खास करके ब्रेन को थोड़ा रेस्ट करा दीजिए, ठीक है? क्योंकि वो जो 2 घंटा है वो आपका पूरा 2 साल की तैयारी को जज करेगा। ऑनेस्टली 2 आवर्स विल बी ओवर पावरिंग योर 2 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन। तो वो जो 2 आवर्स जो है, या 2 घंटा सुबह 2 घंटा दोपहर का आपका जीएस और सीसेट का पेपर, उसमें ये ध्यान रखना है कि आप अपने पीस ऑफ माइंड के साथ एग्जाम दीजिए और रिजल्ट की चिंता मत करिए। और एक चीज तो मैं बच्चों को पहले भी कहता था और अभी भी कहता हूँ कि ये एक एग्जाम का स्टेज है, ये स्टेज होने के बाद दूसरा और एक स्टेज आने वाला है और उसके बाद भी एक तीसरा स्टेज भी है, और जब आप इवन सिलेक्ट भी होंगे तो उसके बाद आगे भी और स्टेजेस आएंगे। तो आप उसको है ना लाइफ के तौर के ऊपर कंसिडर ना किया करिए, अपना बेस्ट दीजिए। और वही है कि आप अपने ड्यूटी को फॉलो करिए, अपने कर्म को फॉलो करिए, तो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा ही। सर मेरा भी कल एक जो अन अकेडमी कॉन्क्लेव सेशन है उसमें एक सेशन है, और उसमें एक कैंडिडेट है, तो वो मतलब विजुअली हैंडीकैप्ड है, और उन्होंने आई थिंक रैंक 750s में रैंक लेकर आए हैं। मैंने उनका एक इंटरव्यू अभी जस्ट पहले यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया,
आप मानेंगे नहीं सर कि वो इतना ज्यादा पॉजिटिविटी और प्लस जो काइंड ऑफ नॉलेज था, मतलब अगर आई जस्ट आस्क अबाउट सोर्सेज कि आप कौन से सोर्सेज पढ़ते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे मतलब हिस्ट्री के बता दिए कि मैंने ये बुक्स पढ़ी हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए उसमें भी उनका सारा ये था। सो मतलब ये सब एटीट्यूड और माइंडसेट की बात है। अगर जैसे एक कंसेप्ट भी होता है सर कि यू स्ट्रेस, जिसे हम कहते हैं कि लेवल ऑफ स्ट्रेस अच्छा है, बहुत रिलैक्स हो जाए तो नुकसान ही है उससे। एक लेवल ऑफ स्ट्रेस तो आपको पॉजिटिविटी देगा ही आगे ले वो करके, लेकिन वो ज्यादा हो जाए तो वो सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है। तो ये कल हम लोग जो 30 सितंबर को हमारा ये जो कॉन्क्लेव होगा, अनअकैडमी चैंपियनशिप का कॉन्क्लेव, आई थिंक 10 बजे सुबह से शुरू होगा और आपका चलेगा। इसमें टॉपर्स भी रहेंगे, एजुकेटर्स भी आपके रहेंगे, और एक इंटरेक्शन होगा, और बहुत सारे एंगल्स पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अगर कई सारी क्वेरीज है प्रिपरेशन से रिलेटेड, ऑप्शनल के सिलेक्शन से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, मोटिवेशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो एक एजुकेटर को भी सुनना इम्पोर्टेंट है, तो एक टॉपर्स को भी सुनना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेटर कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे और टॉपर्स ने उस प्रैक्टिकल चीजों को फॉलो किया, और कई बार कई आइडियाज वर्क नहीं करते तो वो टॉपर्स से आपको पता चल सकता है। तो ये जो है ये सेशन हम लोग कल रहेंगे, और सर का भी सेशन है। सर आपका सेशन प्रतीक सर कितने बजे? मेरा 7 बजे है टुमारो, 7 PM। सर आपका कितने बजे? हमारा 3 बजे का सेशन है। ठीक है सर, और मैं मेरा 2 बजे है। तो हम लोग सभी लोग मिलते हैं कल में। सो थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू सर, थैंक यू एंड विश ऑल द बेस्ट। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसी कारण से सही पर एक मंच पर लगातार विद्यार्थी और टीचर आते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि धीमे धीमे ही सही बदलाव बहुत जल्दी मिलेंगे हमें। जी सर, ओके सर।